हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक बार फिर जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि रासायनिक खेती से प्रदूषण बढ़ रहा है और जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सिक्किम के रास्ते पर ले जाएंगे और वर्ष 2022 तक जहरीली रासायनिक खेती से मुक्त कर देंगे। राज्यपाल रविवार देर शाम को रोहतक में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमने भी बराबर में अपना काम छेड़ दिया। हम भी लोगों को समझा रहे हैं कि आप यदि फसल चक्र अपनाएंगे तो खरपतवार का अपने आप ही समाधान होगा। हमारी कृषि में मल्चिंग करते हैं हम, आच्छादन, खरपतवार जितना निकलता उसको काट के वहीं बिछाते हैं जमीन में। उससे क्या होगा, तीन काम होंगे। एक तो आकाश से वो नाइट्रोजन लेगा, आकाश से वो पानी खींचेगा। नंबर तीन, अंधेरा जब जमीन में होता तो मित्र कीट अंधेरे में ज्यादा काम करके हमारी फसल को ज्यादा पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम विधिवत और वैज्ञानिक है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल की खेती की, आप भी इस बात को जानते होंगे, जब हमने हरित क्रांति के नाम पर रासायनिक खाद डालने शुरू किए तो एक किसान प्रति एकड़ 10 से 15 किलो तक यूरिया डीएपी देता था और उत्पादन बढ़ता था। आज स्थिति क्या है, हरियाणा पंजाब में मेरे कुरुक्षेत्र और पंजाब के जिलों में देखने को मिलता है कि एक एक फसल में 5 से 6 बैग तक यूरिया डालने शुरू कर दिए और उत्पादन घट रहा है। यानी कि यूरिया बढ़ गया, उत्पादन घट गया, किसान की लागत बढ़ गई, आय घट गई, किसान कर्जाई हो गया, गलत रास्ते अपनाने के लिए मजबूर है। हमारी जो पद्धति है और इससे एक सिद्ध होता कि जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही तभी यूरिया ज्यादा देना पड़ता है। तो इस पद्धति से जमीन की उर्वरा शक्ति बराबर आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, ये बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि हमारे खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 पे आ चुका था, जिसका मतलब जमीन बंजर है। अब इस खेती के बाद हमारी खेती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8-0.9 पे चला गया, जो कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है और ये प्रामाणिक है। और हमने अपने खेतों को केवल अपने आधार पर ही नहीं लिया है, हम मिट्टी का टेस्ट कराते हैं, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं और कृषि वैज्ञानिक 2 महीने लगा रखे हैं अपने खेत में, जो आधुनिक पद्धति से पूरा साइंटिफिक ढंग से रिसर्च करते हैं। और उसका परिणाम ये पाया कि इससे उपयोगी रास्ता भारत की कृषि को बचाने का और किसान को कर्जे से मुक्त करने का और उसकी आय बढ़ाने का इससे बढ़िया कोई कारगर तरीका नहीं है। रोहतक से विकास ओहियान की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।